हेलो गाइस, दिस इज सूरज अगेन। एंड अपन लोग क्या करते हैं, आज होटल का जो खाना रहता है, मतलब पूरे दिन का खाना, मैं क्या क्या खाया और क्या क्या खाने में रहता है, नाश्ते से लेके पूरे रात के खाने तक सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओह गाइस, ये है अपना होटल वाला खाना, जो कि कभी भी वेज नहीं रहता, ऑलवेज नॉन वेज रहता है। आज मैंने मंगाया था फ्राइड चिकन। उसके साथ ये अपना राइस थोड़ा आया है, सैलड आया है और ये रहता है सूप, जो रेगुलर सूप है। तो मतलब ऑप्शन नहीं है, अभी शिप पे जाओगे तो थोड़ा इंडियन क्यूशन मिलेगा। और ये जो खाना है, पिछले 3-4 दिनों से मैं खा रहा हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ। मतलब मैं कोल्हापुर से हूँ और कोल्हापुर का खाना मतलब तर्रीदार रहता है, स्पाइसी रहता है, एक नंबर रहता है। तो अगर आप क्रूज शिप या कौन सा भी शिप ज्वाइन कर रहे हो और आपको US में किधर भी होटल में स्टे दिया है, तो आप थोड़ा बहुत स्नैक लेके आओ अपने घर से। मैंने गलती कर दी कि मैंने स्नैक्स कम लिया, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। और देखते हैं इसमें क्या है, दिखाता हूँ। जो रेगुलर सूप रहता है उसमें मतलब चिकन ही रहता है, ज़्यादातर चिकन ही, इधर चिकन का ज़्यादा है। और बर्गर वगैरह रहेगा तो बर्गर मत खाओ, क्योंकि वो बीफ से बना रहता है। और देखिए कंसिस्टेंसी, देखिए भाई लोग, सूप अच्छा है, रोज़ सूप पीना अच्छा होता है मतलब। और ऐसे वो ऐसा पैकेट देते हैं, उसमें स्पून रहता है, ये काटे वाला स्पून है, और एक थोड़ा छोटा सा नाइफ रहता है, और एक इसमें ये देखिए, ये आप देख सकते हो कौन कौन से चम्मच है, और एक रहेगा ये टिश्यू पेपर रहेगा, एंड उसके बाद रहेगा ये थोड़ा रेड पेपर और सॉल्ट का, तो सॉल्ट चाहिए, पेपर और सॉल्ट। मुझे नहीं लगता सॉल्ट कुछ काम आती है, क्योंकि सब बराबर रहता है, टेस्ट वगैरह बराबर। देखो एक नंबर, ये देखो चिकन है, ये क्या है मालूम नहीं, 2-3 दिन से खा रहा हूँ, ये मुझे लगता है भिंडी है, मगर ये इतना इसमें मिक्स हो गया ना, तो ऐसा करारी बिरारी नहीं लगती, तो मुझे ये पता नहीं, ये मुझे लगता है भिंडी है। और चिकन है वो थोड़ा छोटा छोटा करके इसमें डाला है, देखिए। और ये रहेगा चिकन, जो फ्राइड चिकन है, बड़ा वाला पीस है, और ये मुझे लगता है एक लॉलीपॉप की तरह है। और ये जो ग्रीन सैलड है, सबसे बकवास, मतलब हेल्दी रहती है, मगर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मैं कोल्हापुर से हूँ और ऐसा घास फूस खाने की आदत नहीं है। और भाई लोग, ये है चावल, ओ माय गॉड, चावल बहुत अच्छा है, उसका टेक्सचर भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो लाइफ में और क्या चाहिए, बस ये सब मिल रहा है। कल लिया था मैंने श्रिम्प स्कैम्पी, उसमें नूडल्स था, वो भी मैंने पूरा खाया नहीं था, वो भी रखा है, तो वो भी दिखाता हूँ। तो देखो भाई लोग, ये देखिए, इधर मतलब ख़राब नहीं हुआ, ये नूडल्स है, और इसमें ये श्रिम्प, देखिए बहुत बड़े बड़े श्रिम्प है, महंगे आते हैं इंडिया में, बहुत महंगे आते हैं ये श्रिम्प। और इसमें है चीज़ और मेयोनीज का जो मिक्सचर है, वो मुझे इतना खास नहीं लगा। और अपना रेगुलर वाला ये सूप है, सूप खाता हूँ क्योंकि सूप से मतलब थोड़ा अच्छा लगता है सूप,
सूप तो मैं पहले से ही खाता हूँ और पीता हूँ। तो ऐसी लैविश लाइफ है, टीवी है, 11वीं मंजिल पे खाना खाता हूँ तो अच्छा लगता है। इतना बड़ा रूम है मेरा और मैं अकेला यहाँ पे एंजॉय करता हूँ। मेरे इधर ओवन भी है, इधर फ्रिज है, तो मैं ओवन यूज कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्रिज भी यूज़ कर सकता हूँ। इधर बैठ के भी खा सकता हूँ, मगर क्या है, टीवी देखते देखते खाने का जो मज़ा है वो किसी और में नहीं। और इधर दो कुर्सियाँ है तो पार्टनर तो चाहिए, तो फिलहाल तो अपने पास पार्टनर नहीं है। तो भाई लोग, जब भी आप क्रूज शिप ज्वाइन करो, होटल स्टे मिले, तो चिकन या बीफ रहेगा। तो अगर आप बीफ खाते हो तो अच्छा है आपको, क्योंकि परसों बर्गर लिया था उसमें बीफ था इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। और यही मैं रोज़ खाता हूँ और अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। चलो फिर एंजॉय करते हैं। देखो आज रात का खाना है, कल मैं जाऊंगा शिप पे, सुबह 10 का पिकअप है, तो 9:30 तक मुझे लॉबी में जाके खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पिकअप मैन है उसको जल्दी मिले। तो देखते हैं क्या पिज्ज़ा कैसा है, और मतलब ऐसा ही कुछ खाना पड़ता है यार, क्या बोलो अभी। अगेन दिस पैकेट पेपर प्लस सॉल्ट, ओके, एंड शिट, दिस इज पेपरोनी पिज्जा, ओके, दिस इज पेपरोनी पिज्जा, वन सेकेंड, अच्छा ओके, चीज भर भर की चीज डाला है यार, एक नंबर। ओके तो गाइस, अगर स्टे हो, ऐसा खाना है तो ज़्यादातर चिकन चिकन ही खाओ, बीफ मत खाओ। अगर खाते हैं तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। ये पेपरोनी पिज्ज़ा है, परसों भी रात का खाना यही था। तो चलो, कल मेरा साइन ऑन होगा और कल से अपना नया जर्नी चालू। उधर का भी थोड़ा बहुत शूटिंग करने के लिए मिला, तो अगला ब्लॉग आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलो टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।